हेलो दोस्तों, अगर आपके भी व्हाट्सएप के फ़ोटो वीडियो गैलरी में नहीं जा रहे तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप ये प्रॉब्लम कैसे सही कर सकते हो। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप में जितने भी फ़ोटो वीडियो आ रहे हैं वो हमारी गैलरी में शो नहीं हो रहे हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 2 या 3 सेटिंग बताऊंगा, वो आपको अपने फ़ोन में सही करनी है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल बटन भी जरूर दबा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ और ये मेरा दूसरे फ़ोन का चैट है। अब यहाँ पर मैं कोई एक फ़ोटो भेजता हूँ दूसरे फ़ोन से, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल लाइव प्रूफ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये फ़ोटो आ चुका है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है और यह हमारा गैलरी में नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अपनी गैलरी को भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑल में जाता हूँ, कोई फ़ोटो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। अब यहाँ पर आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है और व्हाट्सएप में जाने के बाद अब यहाँ पर आपको ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मिलते हैं, आपको यहाँ क्लिक करना है और सिंपली फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का आइकन मिलेगा, आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको चैट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, मीडिया विजिबिलिटी। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, तो ये अगर आपके व्हाट्सएप में इस तरह से ऑफ है तो आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको ऑन कर देना है इस तरह से, और ये ऑन करने के बाद अब यहाँ पर आपको फिर से ट्राई करके देखना है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो यहाँ पर जैसे कि मैं इस वाले चैट को ओपन कर लेता हूँ इस तरह से, और इस चैट ओपन करने के बाद अब यहाँ पर मैं ऊपर नाम पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, मीडिया विजिबिलिटी, आपको यहाँ क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, डिफ़ॉल्ट यस और यस का। अगर किसी वजह से ये 9 पे सेट है तो यहाँ पर आपको उसे डिफ़ॉल्ट यस पे कर देना है। अगर आपका ये पहले से ही डिफ़ॉल्ट यस पे सेलेक्ट है तो यहाँ पर आपको यस करना है और फिर से डिफ़ॉल्ट यस पे कर देना है, और आपका ये यस होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है, और ओके कर देने के बाद अब आपको चेक करना है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो यहाँ पर आपको एक काम और करना है, वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट वाला जो पॉइंट है यही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, डिसअपीयरिंग मैसेज, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपका ये ऑन होगा इस तरह से, या तो ये 7 डेज पर होगा या कितने पे भी हो, ये आपका फ़िलहाल ऑन होगा। तो यहाँ पर जैसे आप इसे ऑन करते हो डिसअपीयरिंग मैसेज को, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, आप देख सकते हो यहाँ पर मीडिया विजिबिलिटी हमारा ऑटोमेटिक ऑफ हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मीडिया विजिबिलिटी इज़ ऑफ फॉर डिसअपीयरिंग मैसेज। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे डिसअपीयरिंग मैसेज को ऑफ कर देना है, यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ मीडिया विजिबिलिटी पर, और यहाँ से ये हमारा फिर से ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपने व्हाट्सएप को कट कर देना है पूरी तरह से बैकग्राउंड से, ठीक, कट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करना है, यानी कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है, और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद अब चलिए यहाँ पर हम दूसरे फ़ोन से इस पर कोई फ़ोटो सेंड कर लेते हैं और फिर देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं सेंड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, मैं ये वाला फ़ोटो सेंड कर लेता हूँ इस पर, यहाँ पर ये यह हमारा आ भी चुका है। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हमारा ऑटोमेटिक हो चुका है। अब चलिए यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, ये हमारा फ़ोटो है, यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और अपनी गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो फ़ोटो है व्हाट्सएप से यहाँ पर आ चुका है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल लाइव प्रूफ। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल बटन जरूर दबा देना।